गाइस जैसा कि आप इस फोटो को देख रहे हैं, इस फोटो को हम लाइटरूम की सहायता से एडिट करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो गाइस सबसे पहले आपको चलना है यहाँ लाइट वाले ऑप्शन पे, इसमें आपको क्लिक करना है, इसका जो एक्सपोजर है उसको थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। उसके बाद कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और हाईलाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और शेडो को थोड़ा माइनस कर देंगे, ठीक है। व्हाइट्स को आपको कुछ इतना रख लेना है, ब्लैक्स को थोड़ा सा माइनस कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपको क्लिक करना है इस कलर वाले ऑप्शन पे, ठीक है। और कलर में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर मिक्स टूल पे क्लिक करना है और इसका जो फर्स्ट कलर है इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, ठीक है, दोनों को। और इसके बाद सेकेंड को आपको सेचुरेशन को माइनस एंड हाई को भी माइनस कर देना, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर माइनस कर देना है, सारे को यहाँ पर एकदम से पूरे में जीरो कर देना है, ठीक है। और ग्रीन वाले को भी बिल्कुल माइनस, और इसके बाद इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर माइनस कर देना है, और जो रेड कलर है उसको थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और जो नीचे का ल्यूमिनेंस है उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, और जो लास्ट है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देना, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो नेक्स्ट ऊपर वाला भी थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, तो ठीक है। इतना हमारा यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। आप इसको आफ्टर बिफोर भी देख सकते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं इसको डन और नीचे जाते हैं इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ जो इसका टेक्सचर है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है, और नीचे है जो विंटेज इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर माइनस कर देना है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको सबसे नीचे एक होगा हाइलाइट्स, इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है और यहाँ से शार्पनिंग को थोड़ा बढ़ा देना है कुछ इतना। और इसके बाद जो अगला है उसको यहाँ पर नॉइज रिड्यूशन का ऑप्शन होगा, उसको आप इंक्रीज करना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर एक कलर नॉइज रिड्यूशन का ऑप्शन होगा, इसको भी आपको बढ़ा देना है, ठीक है। तो इतना यहाँ पर अपना काम हो चुका है। लास्ट में स्मूथनेस का ऑप्शन होगा, इसको आपको बढ़ा देना है। तो हमारा परफेक्ट यहाँ पर लाइटरूम में कलर ग्रेडिंग हो गया है। अब आपको यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस फोटो को शेप कर लेना है, ठीक है।